अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही लेंथी एक्सरसाइज है। अगर हम इसका एक सवाल करने बैठे तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, आपने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन वो होती है कि जो हम अगर एक इक्वेशन से जवाब निकाले ना एक्स और वाई का, दूसरी में लगाएं तो वो उसको सेटिस्फाई कर रही हो, दूसरे से निकाले तो पहले में लगाएं सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालनी है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो, बस बात खत्म यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, पहला सवाल है इसका 2.7 का। पहला सवाल है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें क्वेश्चन जो है ना हमारे पास वो चार पांच ही करने वाले हैं बस, बाकी लेंथ ही बहुत है, आसान है लेकिन लेंथ ही बहुत है। कोई तरीका नहीं बताया हुआ किस तरीके से करना है, आपने सिर्फ एक्स और वाई निकालना है। एक लीनियर इक्वेशन दे दी है, एक क्वाड्रेटिक दे दी है। यहां से आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि बनती है 5 माइनस वाई। इसको मैं ए का नाम दे रहा हूं, इसको 1 का नाम और इसको 2 का नाम। अच्छा, अब यहां से आगे हमारे पास ये क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें तो क्या बनता है हमारे पास, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका मैं यहां से स्क्वायर ओपन कर रहा हूं वैल्यू लगाने के बाद, तो ठीक है ये बन गया हमारे पास वाई स्क्वायर -12y +11। फैक्टर बना लें इसके, इलेवन आ जाएगा और एक वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये वाई के दो जवाब जो है यहाँ पे लगा दें एक क्वेश्चन में तो एक्स आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लगा दें। ठीक है, आपने एरो नहीं लगाना, आपने सिर्फ बताना है कि इक्वेशन नंबर ए में पुट कर रहे हैं। जब वाई इज इक्वल टू हमारे पास 11 है तो एक्स इज इक्वल टू क्या आता है जी, -6। तो आपने जो सोल्यूशन सेट लिखना है उसमें ऑर्डर पेयर में लिखना है, ऑर्डर पेयर में पहला नंबर होता है एक्स को, ठीक है -6 है जब, तो वाई क्या है जी हमारे पास 11 है। ठीक है, और दूसरे में क्या करना है आपने, वाई इज इक्वल जब 1 है तो एक्स क्या आता है जी हमारे पास 4। यहाँ इसके फैक्टर देख लें, ये ठीक बने हुए हमारे पास, -11 -1 -12 मल्टीप्लाई करेंगे 11 ही आता है। ठीक है जी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी 4 और 1। जब एक्स 4 है वाई 1 है, ठीक है, तो ऑर्डर पेयर में पहला नंबर एक्स को शो कर रहा था, दूसरा वाई को शो कर रहा था, तो ये सवाल है हमारे पास। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, फोर भी ऐसे ही है, फोर तक ये सेम है। ठीक है, फोर तक इसमें ये है कि आपने एक इक्वेशन से एक्स की या वाई की वैल्यू निकालनी, दूसरे में पुट करनी है, वहां से वाई या एक्स के दो जवाब आ जाएंगे, इसी तरह उसको वापस इसी क्वेश्चन में लगा के आपने सोल्यूशन सेट निकाले। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वो अलग टाइप का है। इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो देखते हैं क्या बनता है। पहले हमें ये स्केयर खत्म करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास जो है ना लीनियर इक्वेशन बन जाए। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ना माइनस कर देते हैं। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू ऊपर नहीं है तो मैं यहां साइड पे लिख रहा हूं, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होने के, ये सारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो फाइनल बनेगी वो नाइन आ जाएगा, 8 रह जाएगा, 2 कॉमन ले लें बेशक इसमें से। ठीक है, 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारे पास
या माइनस टू ही कॉमन ले लें, प्लस बना लेंगे। माइनस फोर रह जाएगा, ठीक है। यहां से टू कॉमन ले रहा हूं मैं, बता देता हूं आपको कैसे किए। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आप इसको ए का नाम दे लें, इसको वन का नाम, टू का नाम दे लें, इसको वन का नाम दे लें। यहां से आप वही बन गया, एक लीनियर इक्वेशन आ गया और एक क्वाड्रेटिक बन गया। यहां से वाई का जवाब निकाल लें आप, जो बनता है हमारे पास माइनस फोर माइनस टू एक्स। एक्स का सिलेंडर निकाला क्योंकि फ्रैक्शन आ जाती है, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता। तो ये वाई का जवाब उठा के आप इसको बेशक बी का नाम दे लें, कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो वाई का जवाब उठा के क्वेश्चन नंबर टू में लगाए हैं, वहां से एक्स के दो जवाब निकाल लें, इसी तरह बारी बारी इसमें वापस ला दें, तो ये सवाल आगे हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव के बाद आपके पास सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन तक ये सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर मैं टेन करवा रहा हूं आपको, टेन में हम क्या कर सकते हैं जी, हमारे पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, और दूसरी है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आप ना इसको सॉल्व कर ले, इस इक्वेशन को इसके फैक्टर बना ले। फैक्टर कैसे बना सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्योंकि कोई तरीका तो बताया नहीं, हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये बनेंगे हमारे पास एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस फाइव वाई माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक वाई आ जाएगा, और एक एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई आ जाएगा, ठीक है। एक ये लेके चले एक्स इज इक्वल टू वाई, इस इक्वेशन में लगा दें एक्स की जगह पे वन यानी कि, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, फोर्टीन इक्वेशन वन, ठीक है। फिर दूसरा लेके चलेंगे उसके मुताबिक करेंगे, ये क्या बनेगा वाई स्केयर प्लस टू वाई स्केयर इज इक्वल टू थ्री। इसको बेशक आप ए का नाम दे लें और इसको बी का, क्योंकि हमने वापस यहाँ पे ला के वैल्यू पुट करनी है। तो थ्री वाई का स्केयर इज इक्वल टू थ्री वाई स्केयर इज इक्वल टू वन, और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो जब वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आया तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ही होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, जब पुट करेंगे इसमें वापस, ठीक है। दोनों सेम है ना, तो सोल्यूशन सेट में आपने इनके पेयर बना के लिखते रहे जैसे हमने पीछे करके आए। इसी तरह आपने एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव वाई लगाना है, ठीक है। तो वो क्या बनता है, जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूं इसको, माइनस फाइव वाई का स्केयर प्लस टू वाई स्केयर इज इक्वल टू थ्री, ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन वाई स्केयर इज इक्वल टू थ्री, और वाई स्केयर इज इक्वल टू वन बाय नाइन आ जाएगा, ठीक है। कटिंग होने के बाद थ्री बाई ट्वेंटी सेवन है ना, वन बाय नाइन, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओवर थ्री। अब ये वाई का जवाब इस इक्वेशन में लगा दें, ठीक है, दोनों बारी बारी। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, माइनस फाइव इंटू, एक बार प्लस के साथ लगाएंगे, वन बाय थ्री, ठीक है जी, और एक बार आपने माइनस के साथ लगा देना। इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से क्या आ जाता है जी, माइनस फाइव बाय थ्री, और यहाँ से प्लस फाइव बाय थ्री, ठीक है। तो यहां पे भी ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ये सवाल था बस। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आपके पास 11 भी सेम ऐसे ही है, आप फैक्टर बना लें दूसरी वाली वैल्यू के, आगे सॉल्व करें इसको क्यों अब आ जाएगा। आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सेम है, ठीक है। उसमें से मैं एक सवाल करवा रहा हूं, वो है जी 13 मैं करवा रहा हूं, 12 आपने करना है। एक्स के माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू सेवन, ठीक है, और एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्केयर इज इक्वल टू टू। आपने क्या करना है, इनके ये वाले नंबर जो है ना ये सेम बनाने, ताकि हम इनको ना माइनस करके ना खत्म कर सकें और इक्वल टू जीरो बना सकें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इसको पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई बाय कर दें टू से, और इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें सेवन से, ताकि ये वाले नंबर सेम हो जाए। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई इज इक्वल टू फोर्टीन, और ये दूसरी क्वेश्चन क्या बनेंगे हमारे पास, ट्वेंटी वन वाई स्केयर
आगे लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर वाई स्क्वायर नहीं है, और ये बनेगा हमारे पास प्लस 7xy इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब ये क्यों किया, अभी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा 0, ये बनेगा हमारे पास 2x² -7 -4 -11xy और -21y² इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप एक्स में लेने चले सकते हैं या वाई में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लगा दें इसके अंदर फार्मूला। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अब इसको वाई में लेके चलने या एक्स में लेके चलने वो आपकी मर्जी है अभी। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू -, अब यहां से मैं आपको वैल्यूज लिख देता हूँ। ए इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, बी इज इक्वल टू हमारे पास -11y है, और सी इज इक्वल टू है जी -21y². ठीक है, यहां से हम वैल्यूज लगा दें इसकी, -b प्लस -b² -4ac। अब आगे यहां से आपके लिए होम असाइनमेंट है जी, आपने करना है इसको वैल्यूज लगानी है, एक्स के दो जवाब आ जाएंगे ठीक है वाई के अंदर, उसको फिर आपने फर्दर सॉल्व करना है, सॉल्व करके दो भी जवाब आएगा। ठीक है, उसको फिर यहाँ पे आपने इन किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे हो काफी लेंथी जाएगा ये, क्योंकि बार बार हम एक ही काम किए जाएंगे। ठीक है, जब तक आपके पास नंबर्स में जवाब ना आ जाए, ठीक है, जब तक आपने इसको सॉल्व करते रहना है, तो सवाल काफी लेंथी हो जाएगा, तो ये आपने सॉल्व कर लेना आगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, मेथड कोई बताया हुआ नहीं है, तो हम कोई भी मेथड लेके चल सकते हैं। एक्सरसाइज ओके कंप्लीट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।